अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मुकम्मल बखैर आफिया से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही प्यारी वीडियो जो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के बारे में है। 1975 के वर्ल्ड कप की ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 1975 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम का जो स्क्वाड था, उस स्क्वाड के बारे में और उन खिलाड़ियों के बारे में मुकम्मल तफसील आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो आओ व्यूअर्स शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, 1975 के वर्ल्ड कप में जो पहले ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थे वो थे डेनिस लिली। डेनिस लिली एक बहुत ही इंतहाई फास्ट बॉलर और अच्छे बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया के, बहुत ही शानदार बॉलिंग किया करते थे। दूसरे नंबर पे जो खिलाड़ी आए ऑस्ट्रेलिया की जानब से 1975 का वर्ल्ड कप खेलने का एजाज़ हासिल किया उन्होंने, वो थे जेफ थॉम्सन। जेफ थॉम्सन भी ऑस्ट्रेलिया की टीम में फास्ट बॉलर का किरदार अदा करते थे और बहुत ही अच्छे मंझे हुए खिलाड़ी थे। इंतहाई खूबसूरत बॉलिंग एक्शन और बहुत ही इंतहाई बेहतरीन बॉलिंग किया करते थे। इनके बाद जो विवर्स खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा बने 1975 के स्क्वाड का, वो थे मैक्स वॉकर। ये थे ऑलराउंडर और राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग किया करते थे और ऑलराउंडर की हैसियत से ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा बने। इनके बाद जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड का हिस्सा बने वो थे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी गैरी गिलमोर। प्यारे दोस्तों, गैरी गिलमोर भी ऑलराउंडर थे और लेफ्ट हैंड बैट्समैन और लेफ्ट हैंड ही बॉलिंग किया करते थे फास्ट मीडियम, और ऑस्ट्रेलियन टीम की स्क्वाड का हिस्सा बने 1975 के वर्ल्ड कप का। इनके बाद प्यारे दोस्तों, जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम 1975 के वर्ल्ड कप का हिस्सा बने खिलाड़ी वो थे डेविड टर्नर। एलन टर्नर भी ऐसे खिलाड़ी थे जो कि 1975 के वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलियन टीम के हिस्सा। प्यारे दोस्तों, एलन टर्नर ऑस्ट्रेलिया की जान से बहुत ही अच्छी बैटिंग किया करते थे और लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे और इंतहाई बेहतरीन खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड का हिस्सा बने 1975 के वर्ल्ड कप का। डियर व्यूवर्स, इनके बाद जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम 1975 के वर्ल्ड कप का हिस्सा बने और एजाज़ हासिल किया 1975 के वर्ल्ड कप खेलने का, वो थे रिक एम कॉस्कर। ये थे जी लेग स्पिन बॉलर को किया करते थे और साथ ही साथ बैटिंग किया करते थे और ऑस्ट्रेलिया की जान से ऑलराउंडर का किरदार अदा किया उन्होंने। 1975 के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बने और 1975 वर्ल्ड कप खेलने का एजाज़ हासिल किया। इनके बाद डियर व्यूअर्स, जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड का हिस्सा बने और 1975 के वर्ल्ड कप का खेलने का एजाज़ हासिल किया, वो थे रोड मार्श। रोड मार्श ऑस्ट्रेलियन टीम के विकेटकीपर थे और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी बैटिंग किया करते थे और 1975 के वर्ल्ड कप का हिस्सा बने ऑस्ट्रेलिया की जानब से।
इनके बाद डियर वीवर जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड का हिस्सा बने और 1977 के वर्ल्ड कप खेलने का एजाज हासिल किया वो थे एशले मॉलेट। ये भी ऑस्ट्रेलियन टीम में ऑलराउंडर की हैसियत से शामिल हुए और ऑफ ब्रेक बॉलिंग किया करते थे और इंतहाई अच्छे बैट्समैन भी थे और ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड का हिस्सा बने, 1977 वर्ल्ड कप खेलने का एजाज हासिल किया। डियर व्यूअर्स, इनके बाद जो खिलाड़ी आए और ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड का हिस्सा बने और 1975 का वर्ल्ड कप खेलने का एजाज हासिल किया वो थे रोज एडवर्ड्स। इन्होंने 1975 वर्ल्ड कप खेलने का एजाज हासिल किया और ये बैट्समैन की हैसियत से ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा बने और इंतहाई अच्छी बैटिंग का मुजाहरा इन्होंने किया। इनके बाद विगल्स जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड का हिस्सा बने और ऑस्ट्रेलियन 1977 के वर्ल्ड कप खेलने का एजाज हासिल किया वो थे डव वाल्टर्स। ये भी हल्की फुल्की साथ बॉलिंग किया करते थे और बैट्समैन की हैसियत से ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड का हिस्सा बने और ऑस्ट्रेलिया की जानब से पहला वर्ल्ड कप 1977 का एजाज हासिल किया। व्यूअर्स, इनके बाद जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड का हिस्सा बने और 1977 का वर्ल्ड कप खेलने का एजाज हासिल किया वो थे ग्रेग चैपल। इंतहाई मंझे हुए बैट्समैन, इंतहाई बेहतरीन खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया की जानब से बेहतरीन क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया की जानब से पहला वर्ल्ड कप खेलने का एजाज हासिल किया ग्रेग चैपल। डियर व्यूअर्स, इनके बाद इस खिलाड़ी की बारी आती है वो थे ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन। ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन इंतहाई मायानास बैट्समैन, इंतहाई बेहतरीन बैट्समैन इयान चैपल और बेहतरीन कैप्टन, ऑस्ट्रेलिया की जानब से पहला वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी इयान चैपल और कप्तानी का एजाज भी हासिल किया ऑस्ट्रेलिया की जानब से खेलकर पहले वर्ल्ड कप का पहले कैप्टन होने का एजाज हासिल किया। इंतहाई बेहतरीन कप्तान, इंतहाई बेहतरीन खिलाड़ी इयान चैपल। प्यारे दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ ही साथ बने रहिए और आपकी पसंद का जो खिलाड़ी हो ऑस्ट्रेलिया की जानब से वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया। सी वर्ल्ड चैनल।